हेलो डियर, अगला हमारा कार्य पत्रक 29 है, पर्यवय गणित कार्य पुस्तिका कक्षा 6-7 के लिए। इसमें दक्षता है 3 अंकों तक की संख्याओं के गुणा की समझ विकसित कर पाना। हम यहाँ पर गुणा सीख पाएंगे, तो 5 से ये 353 है, इसको गुणा करना है 35 से। तो 5 से पहले गुणा करेंगे, इस संख्या से इसको गुणा करेंगे, 5 दिया 15, हाँ सी लेके यहाँ लिखेंगे, 5 को 5 बार, 5 25 अधिक किया लिखेंगे भी 26, यहाँ पर 2 हंसिल होगी, तो 5 दिया 15 और 2 17। फिर यहाँ पर क्या करेंगे भी, शून्य लगाएंगे क्योंकि यहाँ पर 3 का स्थानीय मान 30 है। पहले 5 से मल्टीप्लाई करेंगे, फिर इसको 30 से मल्टीप्लाई करेंगे इस संख्या को, तो यहाँ पर शून्य लगाओ, क्रॉस भी लगा सकते हो, पर शून्य ज़्यादा मान्यता रखता है आजकल। 3 को 3 से गुना किया कितना, अभी 3 दिया 9, 3 को 5 से किया 3 बजा 15, हाँ सी लेक हो गई, 3 3 9 1 10, तो इनको जोड़ दो, 5 कितने अभी, 5 9 6 15, हासिल 1 7 1 हासिल 8 और 5 13, हासिल 1 1 1 2 और यहाँ पर 1 किया जाएगा। सी प्रवाह इसको मल्टीप्लाई करना है आपको, 2 से करोगे पहले, 2 5 10, हासिल 1 2 9 18, 1 19, हासिल 1 2 1 2 1 2 और 1 3, यहाँ पर शून्य लगाओगे, 9 5 45, हासिल 4 9 81 4 85, हासिल 8 9 का 9 8, हासिल जुड़ेंगे कितने हो भी 17, इनको जोड़ दो, 0 9 5 14, हासिल 1 3 1 4 5 9 7 1, इतना आ जाएगा। ये देखो भी, 8 7 56 का 6 आ गया, हासिल 5 आ गया, 8 की टेबल 4 तक बोलेंगे, 32 और 5 कितने हो जाएंगे भी, 37 हो जाएंगे, कितने हो जाएंगे भी 37, तो यहाँ पर हासिल आएगी 3, कितने आएगी भी 3, और 8 5 40 से 3 कितने हो गए भी 43, फिर यहाँ पर शून्य लगाओगे, 4 7 28, फिर यहाँ हासिल 2 आ जाएगी, फिर 4 चौका 16 और 2 18, फिर हासिल 1 आ जाएगी, 4 5 20, कितना आएगा अभी 21, अब इनको जोड़ दो, 6 7 8 15, हासिल 1 3 1 4 8 12, हासिल 1 4 5 1 6 2, ये आ जाएगा। इसको कर दो, 6 का 6 6 6 तिया 18, यहाँ पर शून्य, 3 1 का 3 3 1 का 3 3 तिया 9, 6 6 3 9, 8 3 11, हासिल 1 9 1 10 1 11, ये उत्तर आ जाएगा। इसी प्रकार आपको इनको हल करने, जैसे मैं इनको हल कर देता हूं पहले ही, इसको 38 से गुणा करने पर आपका ये आएगा, और इसमें ये उत्तर आएगा, ये उत्तर आएगा, आप रफ कॉपी में हल करके इनसे मिलान कीजिए, आपका सही आ जाएगा। नेक्स्ट देखिए, प्रश्न संख्या 2 दिया गया है, कुछ वस्तुओं के मूल्य दिए गए, जैसे मूल्य सूची है, पुस्तक है वो 35 रुपये की है, फुटबॉल है वो 70 रुपये की है, छतरी है वो 70 रुपये की है, ड्राइंग बुक है 45 की, बॉल है 25 की, स्केल है 100 रुपये का। यदि आप नीचे दी गई वस्तुएं खरीदेंगे तो आपको कितनी कीमत देनी पड़ेगी, मैं बताने हैं आपको। आप 3 पुस्तक खरीदना चाहते हैं, एक पुस्तक का मूल्य कितना रुपये, अभी 35 रुपये है, तो गुणा में कितना आ जाएगा अभी 3, वो मूल्य बताना आपका। एक के 35 लगते, 3 के 3 से मल्टीप्लाई कर दो आप, 3 5 15, हासिल 1 3 3 9 1 10, 105 रुपये लग जाएंगे, कितने रुपये लगेंगे भी, 105 रुपये लगेंगे। इसी प्रकार 4 फुटबॉल खरीदना चाहते हो आप, एक फुटबॉल की कीमत 70 रुपये है, 70 गुणा में 4, तो 4 0 0 4 7 28, 280 रुपये लग जाएंगे, कितने रुपये लगेंगे भी, 280 रुपये लगेंगे, ठीक है। यहाँ पर 10 छतरियां खरीदनी है आपको, एक छतरी के कितने रुपये लगते हैं अभी, 70, और 10 के कितने लगेंगे भी, 700 रुपये हो जाएंगे, कितने रुपये हो जाएंगे भी, 700। 5 ड्राइंग बुक खरीदनी है, एक ड्राइंग बुक की कीमत है 45 रुपये, कितने खरीदनी है अभी, 5 खरीदनी है, तो 5 से गुणा कर देंगे, 5 5 25, हासिल 2 5 का 20 और 2 22, 225 रुपये लगेंगे।
10 बॉल खरीदनी है, एक बॉल की कीमत है 25 रुपये, 10 की कितनी हो जाएगी भी, 250 रुपये, कितनी हो जाएगी भी, 250 रुपये। और 10 स्केल खरीदने, एक स्केल की कीमत कितनी है भी, 100 रुपये, 10 की कितनी हो जाएगी भी, तो 1000 रुपये, कितनी आ जाएगी भी, 1000 रुपये हो जाएगी। अब देखिए भी प्रश्न संख्या 3 दिया गया है, एक दूध के केन में 50 लीटर दूध आता है, ये दूध की केन है, उसमें कितना लीटर दूध आता है भी, 50 लीटर दूध आता है। तो बताइए ऐसे 4 केन में कुल कितना लीटर दूध आएगा, 4 केन है तो गुणा में कितना आ जाएगा अभी, 4 केन आ जाएगा। अब 50 को गुणा करना है 4 से, कितना आएगा भी, 400, 500 का 20, 200 लीटर दूध आ जाएगा, कितना दूध आएगा भी, 200 लीटर दूध आएगा। एक टोकरी में 300 आम है, कितना में भी, 300 आम है, तो बताइए ऐसी 3 टोकरी में कितने आम होंगे भी, एक में 300 आम है, या इस प्रकार भी ले सकते हो, एक टोकरी में 300 आम है तो 3 टोकरियों में कितने आम होंगे भी, 300 गुणा में 3, 3000, 3 900 आम होंगे, कितने आम होंगे भी, 900 आम होंगे। वीडियो अच्छा लगा हो, पसंद आया हो, चैनल जरूर सब्सक्राइब करना। थैंक।